हाय गाइस, आपका स्वागत है प्रथमेश टेक्निकल्स इस चैनल पर। आज हम देखेंगे कि दो 2x2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन FX991MS कैलकुलेटर यूज करके कैसे करें। यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। तो चलिए दोस्तों, पहले तो आप अपना कैलसी ऑन कीजिए, फिर मोड बटन 3 बार प्रेस कीजिए, फिर मैट ऑप्शन आ जाएगा, उसे 2 प्रेस करके सिलेक्ट कीजिए, फिर शिफ्ट 4 प्रेस करके डिमेंशंस 1 प्रेस कीजिए। फिर यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए लेना है, इसलिए 1 दबाकर मैट्रिक्स ए सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैट्रिक्स ए कितने डिमेंशंस का है, यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स है, इसलिए m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 2। m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर मैट्रिक्स ए की एलिमेंट्स पुट कर लीजिए, -1, 2, 4 और 1। फिर ऑल क्लियर प्रेस कीजिए, फिर से शिफ्ट 4 प्रेस कीजिए, डिमेंशंस 1 दबा कर सिलेक्ट कीजिए। अभी मैट्रिक्स बी सिलेक्ट करने के लिए 2 प्रेस कीजिए, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, इसलिए 2 इज इक्वल टू 2। हाँ, अभी मैट्रिक्स बी के एलिमेंट पुट कीजिए, -5, 0, 2 और 6। जैसे कि मैंने दोनों मैट्रिक्स पुट कर लीजिए, अभी फिर से ऑल क्लियर प्रेस कीजिए, अभी शिफ्ट 4 प्रेस कीजिए, उसके बाद यहाँ पर मैट का ऑप्शन दिखेगा आपको, उसे 3 दबाकर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैट ए लेना है, इसलिए 1 इंटू, फिर से शिफ्ट 4 प्रेस कीजिए, मैट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर मैट्रिक्स बी लेना है, इसलिए 2 प्रेस कीजिए, मैट ए इंटू मैट बी, और फिर इज इक्वल टू प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आ गया है, मैंने इसे मैन्युअली भी सॉल्व किया है। आंसर चेक करते एक बार, 9, 12, -18 और 6। थैंक यू, आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।